Hey friends, welcome back to my channel and show of watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल CCC by Priya में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो स्टोर करने का खास तरीका। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन तरीके, क्योंकि मैंगो सीजन जाने वाला है तो हम मैंगो को पूरे साल के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं वो आप आज के इस वीडियो में जान जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो शेक प्रीमिक्स, या फिर जिसको आप मैंगो स्क्वैश भी कहते हैं, इसका रेसिपी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मैंगोस के जाने के बाद भी पूरे साल तक मैंगोस का आनंद लीजिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंगोस को स्टोर करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर कुछ मैंगोस। जब भी आप मैंगोस स्टोर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मैंगोस आपके पास फ्रेश हों। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ मैंगोस ऐसे हैं जो थोड़े से पल्पी हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं मैंगोस को छील लेती हूँ। आप चाहें तो पीलर की सहायता से छील लीजिए, नहीं तो जो काटने वाला नाइफ होता है उसकी सहायता से भी आप आम का छिलका इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे आम के छिलके अलग कर लूँगी और उसके बाद हम मैंगोस को अलग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके बताऊँगी और जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग मैंगोस को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम को छील लिया है, अब मैं यहाँ पर मैंगोस को कट कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से आप मैंगोस को कट कर लीजिए। जो मैंगोस काफ़ी हार्ड हैं तो उनको तो आप पीसेस में कट कर लीजिए और जो मैंगोस थोड़े पल्पी हैं उसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से आप मैंगोस के छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर सकते हैं। आप पहले तरीके में इस तरह भी स्टोर कर सकते हैं कि आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए और जब आपको इसे स्टोर करना है तब आप इसके ऊपर एक चम्मच चीनी ऐड कीजिए और सबसे पहले आप इसे किसी भी प्लेट में रख कर फ्रीज़र में रख दीजिए और क्लिंग रैप से रैप कर दीजिए। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र से निकालकर एक जिप लॉक बैग में रखकर स्टोर कर सकते हैं और ये पूरे साल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी आपको यूज़ करना है तो 10 मिनट पहले आप इन डाइसेस को निकालिए और उसके बाद आप इनसे मैंगो शेक भी बना सकते हैं, मैंगो केक भी बना सकते हैं। मीन्स इन एनी फॉर्म यू कैन यूज़ दिस मैंगोज। अब जो मेरे पास पल्पी मैंगो था उसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो मैंगो को इस फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। मींस ये जो मैंगो पल्प है इसमें आप ऐड कीजिए 2 स्पून शुगर, क्योंकि शुगर प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसलिए शुगर ऐड करना ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसे एक जिप लॉक बैग में रखिए और फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका जिसमें आप मैंगो को स्टोर कर सकते हैं और ये भी बहुत ही कारगर तरीका है। आप छोटे छोटे जिप लॉक बैग्स बना लीजिए ताकि जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप एक बैग निकालिए और उसको यूज़ कीजिए। अब हम चलते हैं अपना थर्ड और बहुत ही बढ़िया तरीके पर जिसकी सहायता से आप मैंगो शेक कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, और ये है मैंगो स्क्वैश। मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 बोल मैंगो पल्प और 1 बोल मैंगोज छोटे छोटे डाइसेस में कटे हुए। उसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी 1 बोल शुगर। मीन जितना आपका मैंगो का पल्प है उतनी ही आपको चीनी लेनी है और जितनी आपको चीनी लेनी है उतना ही आपको पानी भी लेना है। अब हम यहाँ पर चीनी और पानी को मेल्ट करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो ये एक शुगर सिरप टाइप का बन जाएगा। हमें चीनी में चाशनी नहीं बनानी है, मींस ऐसा नहीं है हमें 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। हमें केवल उतना ही वेट करना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल जाए, मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और जैसे ही चीनी में एक बॉयल आ जाएगा तब हम करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और चीनी बहुत ही अच्छे से उबलने लगी है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी मैंगो का पल्प जो हमने बनाकर रखा हुआ है। मैंगो का पल्प जब आप ऐड करते हैं तो इसको लगातार स्पैचुला से चलाते रहिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए जैसे ही एक उबाल आता है चीनी में तुरंत ही आपको ये मैंगो पल्प ऐड करना है। मैंगो पल्प और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए मैं विस्कर का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो आप विस्कर की सहायता से इसको आपस में मिक्स कर दीजिए।
जितनी हमने चीनी की क्वांटिटी ली है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपके मैंगोज कितने मीठे हैं। अगर मैंगोज थोड़े कम मीठे हैं तो आप चीनी की मात्रा डेढ़ गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंगोज काफ़ी मीठे थे इसलिए मैंने 1 बोल ही चीनी ऐड की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो डालने के बाद भी 1 बॉयल आ गया है। जैसे ही 1 उबाल आ जाए उस स्टेज पर जो हमने मैंगो के छोटे छोटे डाइसेस बनाकर रखे हुए हैं वो भी ऐड कर दीजिए और इसको पकने दीजिए। हम इसको अब ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसके अंदर 1 उबाल ना आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा बॉयल आ गया है। अब क्योंकि हमने मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए चीनी का यूज़ किया है और चीनी क्रिस्टलाइज ना हो इसके लिए हमें बहुत ही ज़रूरी स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/4 टी स्पून नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप सिट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको ऐड करना है 1 पिंच ऑफ सिट्रिक एसिड। ये जो हमने नींबू का रस ऐड किया है ये इस स्क्वैश को खट्टा नहीं करेगा, और इस चीज़ से भी आप बेफिक्र रहिए कि आप दूध से ही मैंगो शेक बनाते हैं तो कहीं वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए। नींबू का रस इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करता है और साथ ही साथ चीनी को क्रिस्टलाइज होने से बचाता है। अगर आप नींबू का रस ऐड नहीं करेंगे तो थोड़े ही टाइम बाद ये जो स्क्वैश है ये जम जाएगा और फिर इसकी सहायता से आप कोई भी चीज़ नहीं बना पाएंगे, चीनी दाने दाने की फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप शुगर और ऐड की है ताकि चीनी का क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल ही रुक जाए। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अगेन इसको ढककर 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बॉयल आ गया है, जो हमने इसमें डाइसेस डाले थे मैंगो के वो भी पक चुके हैं, और ये जो स्क्वैश की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा ये थिक रखने के बाद भी हो जाता है, इसलिए इस स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो डाइसेस हैं ये पक गए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्पैचुला से अगर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये इजीली प्रेस हो पा रहे हैं, इट मीन्स कि अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाए तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है। एंड लुक एट दिस, वाओ कितना बढ़िया स्क्वैश बनकर तैयार हुआ है ना मैंगो का। तो लाइक तो बनता है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है कांच का जार, जो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये खराब हो जाता है। तो यहाँ पर कांच के सूखे जार में मैंने सारा का सारा मैंगो स्क्वैश फिल कर दिया है, और अब मैं इसको लिड लगाकर स्टोर कर सकती हूँ। आप इसे फ्रीज में रखकर 1 ईयर तक स्टोर कर सकते हैं, मींस नेक्स्ट सीजन तक। जब तक आम का दूसरा सीजन नहीं आता है तब तक आप एंजॉय कीजिए आम को इस फॉर्म में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस मैंगो स्क्वैश से आप मैंगो शेक किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंगो स्क्वैश को आपको हमेशा फ्रीज में ही स्टोर करना है, और फ्रीज के साइड डोर में स्टोर नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर कूलिंग कम होती है। फ्रीज के अंदर ही आप इसको स्टोर कीजिए ताकि ये बिल्कुल सेफ बना रहे। मैंगो शेक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये मैंगो स्क्वैश जिसको हमने स्टोर करके रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंगो स्क्वैश यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास मैंगो शेक बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंगो स्क्वैश ऐड करने के बाद आप यहाँ पर ऐड कीजिए ठंडा ठंडा दूध। दोनों ही चीज़ें ठंडी हैं इसलिए मैं यहाँ पर आइस क्यूब्स ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर दूध ठंडा नहीं है तो आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है रूअब्ज़ा। रूअब्ज़ा की मात्रा देखकर ही डालिए क्योंकि स्क्वैश में भी मीठा काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको एक बार चर्न कर लीजिए, और चर्न करने के बाद लुक एट दिस, आपका बढ़िया सा मैंगो शेक बनकर है बिल्कुल तैयार, जो बहुत ही क्विकली बन जाता है। अब आपको मैंगो शेक बनाने के लिए मैंगोज को काटने की झंझट नहीं, और अगर किसी समय आपके पास मैंगोज नहीं है तो आप इस तरह से मैंगो शेक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारा मन करता है मैंगो शेक पीने का लेकिन मैंगोज होते नहीं हैं, तो जब भी आप मैंगोज मार्केट से लेकर आते हैं तो कुछ इस फॉर्म में स्टोर कर लीजिए ताकि आपके पास ऑल टाइम मैंगोज अवेलेबल रहें। और लास्ट में आप इसको गार्निश कीजिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ और चेरी के साथ, एंड एंजॉय कीजिए मैंगो शेक किसी भी सीजन में।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। नमस्ते इंडिया।